नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के गढ़वाल घाटी में पौड़ी जिले के मुख्य शहर श्रीनगर से 18 किलोमीटर श्रीनगर खेसू मोटर मार्ग पर बसा है एक गांव भैंसकोट। भैंसकोट अपने में एक खास नाम है क्योंकि इस नाम की विरासत जुड़ी है गांव में रहने वाले लोगों के एक दूसरे के प्रति लगाव से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भैंसकोट गांव के ऊपर प्राचीन शिवालय मंदिर और ग्राम कुल देवता नागराजा मंदिर के इतिहास के बारे में, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। शिवालय मंदिर सन 1997-98 में बनकर तैयार हुआ और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा श्रावण के महीने 1999 में सभी भैंसकोट ग्रामवासियों के अथक प्रयास से कार्य सम्पन्न हुआ। तब से अभी तक प्रत्येक वर्ष यहाँ पर सावन के आखिरी सोमवार को अखंड रामायण तथा भंडारे का आयोजन होता है। अवसर पर ग्रामवासी तथा परवासी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार यहाँ पर पहले एक छोटा सा प्राचीन मंदिर स्थित था, जिसमें कि शिवलिंग कुछ पत्थरों की ओट में एक घंटे और एक छोटा त्रिशूल तुक की झाड़ियों के बीच में स्थित था। साथ ही एक देवदार का पेड़ अभी भी यहाँ पर मौजूद है। यह स्थान गांव के ऊपर होने के साथ ही बहुत रमणीक है। अभी मंदिर में यही शिवलिंग स्थित है जिसकी विधिवत पूजा जारी है। इसी स्थान के साथ ही ग्राम कुल देवता नागराजा मंदिर भी स्थित है। यह मंदिर भी बहुत प्राचीन था जिसमें कि काफी टूट फूट हो गई थी। तब एकमत से इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने का विचार किया गया, जिसके लिए धन संग्रह की आवश्यकता थी, जिसमें दिल्ली, देहरादून, श्रीनगर तथा अन्य प्रवासी भाइयों ने अपना अपना योगदान दिया। कुछ लोगों ने इसके अलावा भी बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया। इसके बाद 17 सितंबर 2015 को नव नागराजा मंदिर की आधारशिला विधिवत गांव के सरपंच स्वर्गीय श्री गजेंद्र सिंह तथा दिल्ली, देहरादून और श्रीनगर विस्थापितों की मौजूदगी में रखी गई। मंदिर का कार्य पूरा होने के बाद मंदिर में नागराजा मूर्ति की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा सितंबर 2016 में हुई। मूर्ति दिल्ली के कार्यकर्ताओं के द्वारा गांव में लाई गई। इस कार्य में स्वर्गीय श्री पृथ्वी नयाल तथा श्री धर्म सिंह रौतेला जी की अग्रणी भूमिका रही। शिवालय मंदिर से आपको प्रकृति का बहुत ही मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा। सामने इधर उधर का नज़ारा, ऊंची ऊंची चोटियां मन को रोमांचित करती हैं। यह स्थान इतना सुंदर है कि मन को आनंदित कर देता है। साथ ही आप मंदिर से भैंसकोट गांव का सुंदर नज़ारा भी देख सकते हैं। यदि आप प्राचीन शिवालय मंदिर और ग्राम कुल देवता नागराजा मंदिर जाना चाहते हैं तो मात्र भैंसकोट गाँव से 10 मिनट की चढ़ाई चढ़ने के बाद शिवालय पहुँचा जा सकता है। और अगर आप बाय रोड जाना चाहते हैं तो पहले आपको भैंसकोट से बुगानी से दत्ताखेत से मात्र 5 मिनट के सीधे रास्ते से आप शिवालय मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इस दूरी को आपको 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा। आज भी सभी गाँव वासियों का इस देव स्थान में गहरी आस्था के साथ तब से अभी तक सौंदर्यकरण का काम जारी है। इस कार्य की देखरेख के लिए शिवालय नागराजा समिति गठित है, जिसके अध्यक्ष श्री जयकृत सिंह नयाल
उनके सहयोगी कार्यकर्ता श्री त्रिभुवन सिंह नयाल, श्री उमेश नयाल का इस क्षेत्र विकसित करने में निरंतर प्रयास जारी है। तो मतलब एक साल हो गया, पर यहाँ शिवालय में हमको कम से कम एक डेढ़ महीना हो गया। पहले ही नहीं छोटी पहले झोपड़ी सी एक छोटी सी, हाँ। गांव वालों का सहयोग से ये मतलब पूरा मंदिर इसका पैसा इकट्ठा जो इधर अच्छा अच्छा फूल छनोया इधर काम चाहिए आप लोगों ने करी। हाँ, ये हम लोगों ने करी। सुबह कथा बजे हम ना 9 बजे और शाम को 7 बजे चल जाना गौर। कथा आदमी काम करता नहीं, हम तीन आदमी आप तीनों पूरा काम तब कुछ कबर लेबर लगाना। अच्छा, लेबर वगैरह। हाँ, लेबर भी लगा। पैसा वगैरह सब गांव ये सब गांव वालों को सहयोग से गांव वालों वो छंद करना ये पैसा इकट्ठा करना जाना। अच्छा, सिंह जी हमारे मतलब पूरे हेड वो छने का। अच्छा, वही पैसा इकट्ठा करना बोला। अच्छा अच्छा, तो ये जो फूल छनी कथा कला कला कई किस्म का छनी फूल कई डेलिया च जीनिया च और गेंदा च गुलाब छन कई किस्म का और वो कनेर ची। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ कई किस्म का फूल छन। अभी और भी लग रहा है और फूल बहुत लगने ना अभी तो पूरा काम चलो जो फूलों को मंदिर में फूलों के काम अभी कुछ पेड़ फलदार लगाना था हमें। हाँ, वैसे कि हमने पूरा माल्टा कागजी ये भी लगा रहे हैं, ये खड्डे कर रहे हैं, लेबर लगा रखा है। जी जी जी, भाई खड्डा तब वहाँ तब ये डाला होना था ये बटे हॉर्टिकल्चर अभी कथा टाइम लग ले ये पिछले अब ये अगले महीने लग ले ये माँ बरसात बरसात में। हाँ, तो आप लोगों को मैंने दिखाई दिया था पहले भी और जन के हम वीडियो में देखा है जो कि व्यू दिखा दिया था आपको और पूरा मंदिर के फूल दिखा दिए इतने अच्छे अच्छे इतनी कितना अच्छा काम करा, कितना मेहनत का काम है ये। और ये लोग सुबह आ जाते हैं भाई जितने भी हमारे हैं और कह रहे हैं कि अभी 6-7 महीने और लगेंगे और पूरी 6-7 महीने के बाद आप पूरी काया प्लट देखेंगे यहाँ पे। और पहले छोटा सा मंदिर था ये भी और वो भी और आप देखिए कितना अच्छा है, लोग आते रहते हैं और हमारे भाई बहन भी अभी जो ये बैठे हैं ये अभी अभी आए हैं दर्शन के लिए जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। और चलिए पूछते हैं यहाँ पे कि मतलब कैसा लगता है उनको काम करते हुए। जी, आपको कैसे लगता है यहाँ? बहुत बढ़िया लगता है काम करते हुए। तो सहयोग आप लोगों का ही है पूरे गांव का? गांव का भी सहयोग है इसमें, बाकी हम तीन लोग लगे रहते हैं। अच्छा, आप लोग तीनों करते हैं? जब कभी कबर सर्वधान भूल जाए सड़क गाँव का लड़का लोग अच्छा सारे आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, भैया आप होना क्या? त्रिभुवन सिंह। त्रिभुवन सिंह सुबह लेके आए ना बहुत आनंद आ रहा है। सुबह आना यहाँ 9 बजे। अच्छा, शाम को 7 बजे जाना यहाँ से। अच्छा, सुबह ड्यूटी मतलब ड्यूटी होगी सर? ड्यूटी समझो इसकी। जी, तो ड्यूटी का प्रभु सेवा ये भी। हाँ, ये भी सेवा ही है। तो ये जाल जूल किस लिए लगाए आप लोगों ने, इतने जो जाल दिख रहे हैं? ये तो गाँव के सहयोग से पैसे पैसे इकट्ठे करके उन्होंने। शिवालय एक होगा ये। अच्छा, ये जो दिखा रहा है रास्ता भी एक साथ बन जाएंगे। अच्छा, ये सामने जो मंदिर दिखा रहा है नागरदा का और ये वाला शिवालय जो आप हम खड़े हैं एक होंगे, ये सामने एक हो जाएगा और काफी अच्छा लगेंगे सारे में। जी 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 जी, ये तपड़ जो है बीच में दिख रहा है खेत है। तो इसका खर्चा भैजी कहाँ से होता है? मतलब इसका खर्चा सारी गांव के सहयोग से हो रहा है। लड़के लोग मतलब जो हमारे बाहर के देहरादून दिल्ली कहीं भी हैं। जी जी, तो गांव वाले भी सारे मिलके मतलब जो भी है जितना मेहनत करते श्रद्धा से देते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों ने ना 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 श्रद्धा है इसमें जो जिसकी जितनी श्रद्धा है कोई 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 कोई किसी पे वो नहीं है कि भाई कितना देना है कितना नहीं देना है। तो इस मंदिर में कोई बाहर से आते तो कोई ऐसा तो नहीं है कि नहीं आना है? ना 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 ना, ऐसा नहीं है। सबके लिए खुला है, सबके लिए खुला है ये मंदिर। ऐसा नहीं कोई आए कोई ना आए, सबके लिए है ये। खाली जानवर के लिए नहीं है, जानवर के लिए। चलिए, गुरु बकरों के नीचे नुकसान हो जाएगा। हाँ, गुरु बकरों के नीचे मनचों का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आपने देख लिया होगा कितना अच्छा बनाया है और प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारी जो गांव का मंदिर है और इतने अच्छे अच्छे फूल इन्होंने खिलाए हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं और गांव के जो भी जितने भी सपोर्ट करा उन लोगों के लिए भी आप तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों का। और प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करिए ताकि हमारा गांव बहुत आगे जाए और हर उत्तराखंडी को पता हो कि बैसकोट गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं कि इतनी मेहनत लोग हैं। और सपोर्ट कैसा भी हो, चाहे वो 1 रुपये का हो चाहे वो 1,000 रुपये का हो, सपोर्ट तो सपोर्ट होता है। और आप देख रहे होंगे
क्योंकि जब तक सारे गांव वाले इकट्ठा नहीं होते या जब तक सपोर्ट नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता। भोले बाबा नागराजा आप सभी कार्यकर्ता और ग्रामवासियों की मनोकामना पूरी करें। इस वीडियो की जानकारी देने के लिए श्री अनिल नयाल जी का हम धन्यवाद करते हैं और साथ ही भैंसकोट गांव वालों का जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से यह सब कर दिखाया। अपने गांव की यादों को आगे बढ़ाने के लिए अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। हम आपको आगे भी गांव की बहुत सारी यादों के साथ जोड़ते रहेंगे। सतीश नियाल के साथ नम्रता नेगी, धन्यवाद। गीत गा।